जैन दोस्तों वंदे महातरम कल आमिर खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उन तस्वीरों के सामने आते ही एक बार फिर से लोगों ने आमिर खान को उठा के खड़ा कर दिया कटघरे में कि भैया आखिर आप हो कौन चाहे वो उनके मजहब वाले लोग हों या दूसरे मज़हब के लोग सभी ने उनसे सवाल किया और सभी ने उनके ऊपर सवाल दागा भी कि भैया आप आखिर हो कौन सोशल मीडिया पर उनकी फिर से पुरानी तस्वीरें वायरल होने लगी लोग कहने लगे कि भाई 2014 के बाद आए बदलाव का ही परिणाम है कि अब इस तरह की एक्टिंग भी हमको देखने के लिए मिल गई है जी हाँ आमिर खान जो पूजा पाठ कर रहे थे कई लोगों ने उसको एक्टिंग भी डिक्लेयर कर दी लोगों का कहना था कि ये शायद कुछ जो इनकी मूवीज़ फ़्लॉप हुई हैं उसी का नतीजा है कि ये भाई साहब अब पूजा पाठ की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं बहुत सारी बातें हुई तरह तरह के स्पेकुलेशन आए तरह तरह के इल्ज़ाम आमिर खान के ऊपर लगाए गए लोगों ने अपने अपने तरीके से हर बात को रखने की कोशिश भी करी पर आमिर खान के ऊपर फिर भी वही सवाल रहा कि भाई आमिर खान ने यदि पूजा परफॉर्म करी भी है तो उसको जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट किया गया कहीं ना कहीं उसमें वो वाला भाव तो दिख ही रहा था कि देखिए हम भी ये सब करते हैं क्योंकि एक समय पर आमिर खान खुद ही कह चुके हैं कि भाई भारत में उन्हें या उनके परिवार को डर लगता है और ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है तुर्की की प्रथम महिला के साथ जब वो जाके मिले थे और उसी समय तुर्की और भारत का थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आमिर खान की एक नेगेटिव इमेज भारत के आम जन के बीच में ऑलरेडी बना चुकी है जिसका कि नतीजा लाल सिंह चड्डा के फ्लॉप होने के साथ ही सभी ने देखा है तो ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आमिर खान और कुछ नहीं बस अपनी इमेज को सुधारने का काम कर रहे हैं जो कि इस समय सलमान खान और शाहरुख खान कर रहे हैं और उनकी कोशिश बहुत हद तक सफलता भी हासिल कर रही है लेकिन आमिर खान का इस तरीके से अचानक से फोटोज़ के साथ सामने आना कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट तो क्रिएट कर ही रहा है आमिर खान इस समय इंटरनेट पर सुर्खियों में है असल में इसकी वजह कोई उनका नया या ताज़ा लुक नहीं बल्कि कुछ और ही है दरअसल बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन के तहत पिछले कुछ महीनों में आमिर को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाया गया है उनके तमाम पुराने बयान और जिन्हें कथित रूप से भारत विरोधी करार दिया गया एक्टर की मुखालफत की बड़ी वजह बनकर सामने आए खासकर इंटॉलरेंस के ऊपर जो उन्होंने बयान दिए थे जिसमें उन्होंने भारत के सामाजिक माहौल को लेकर एक मुस्लिम के नाते तमाम आशंका जताई थी विरोधों का सीधा असर आमिर खान के करियर पर पड़ा कोविड से पहले उनकी मल्टी स्टार फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बुरी तरह नाकाम हुई और कोविड के बाद आई लाल सिंह चड्डा की टिकट खिड़की पर ठग्स से भी ज़्यादा दुर्गति होगी लागत के हिसाब से बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज्यादा डिजास्टर बड़ी मूवीज में से एक है एक्टर के बेटे की डेब्यू फिल्म बनकर तैयार है इसे यशराज फिल्म्स के बैनर ने बनाया है मगर फिल्म रिलीज करने को लेकर कोई हलचल नज़र नहीं आ रही वैसे भी एक्टर ने फिलहाल फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया बता और है बतौर एक्टर वे छुट्टियों पर हैं असल में आमिर को लेकर चर्चा उनकी कुछ तस्वीरों की वजह से हो रही है तस्वीरों को आमिर के करीबी निर्देशक अद्वैत चंदन ने सोशल मीडिया पर साझा किया है इसे देखकर लोग हैरान हैं एक्टर की तारीफ और आलोचनाएं दोनों हो रही हैं आलोचनाओं पर चर्चा करने से पहले ये जरा जान लेते हैं कि उनके रियल लुक को जमकर सराहना मिल रही लंबी ऊंचे सफ़ेद बालू में एक्टर भाई और कुछ नहीं तो ठीक तो लगी रहे तमाम विशेषणों से उनकी तारीफ हो रही है लेकिन जिन तस्वीरों की चर्चा हो रही है वह असल में आमिर खान प्रोडक्शंस में पूजा के दौरान की हैं एक मुस्लिम होने के नाते एक्टर हिंदू विधि विधान से पूजा करते नजर आ रहे हैं हाथ में कलावा है गले में रुमाल और सिर पर टोपी है वे पूजा की तमाम रस्में कलश पूजा और आरती करते दिखाई दे रहे हैं उनके साथ उनकी पूर्व पत्नी और फिल्म मेकर किरण राव की कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं अब चूंकि बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन में एक मुस्लिम के तौर पर आमिर के तमाम बयानों की आलोचनाएं करी गई थी तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझ अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है अपने टीवी शो सत्यमेव जयते में हिंदू परंपराओं के खिलाफ कैंपेन चलाया पाखंड के नाम पर धार्मिक अंधविश्वास के नाम पर लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम की रूढ़ियों पर कोई बयान नहीं दिया अब तस्वीरों के बाद तीखा आरोप लगाने वाला एक धड़ा एक्टर की नई नौटंकी करार दे रहा है इसको कई लोग सोशल मीडिया पर आमिर के नए अवतार का मजाक उड़ाते भी नजर आ रहे हैं कहा जा रहा है कि आमिर अब नौटंकी के जरिए सिम्पत्ति बटोरने का काम कर रहे हैं जो कि एक नाकाम कोशिश है नए अवतार को फिल्मों के फ्लॉप होने और नए विज्ञापनों के ना मिलने का एक साइड इफेक्ट भी बताया जा रहा है ढोंगी छवि सुधारने का कैंपेन और न जाने क्या क्या इनको कहा जा रहा है कुछ लोग इस बात पर भी नाराज़ हैं कि आमिर हज कर चुके हैं एक दूसरे धर्म में विधि विधान से पूजा करके वे अपने मजहब की खिल्ली उड़ा रहे हैं एक्टर की तरफ से पूजा करना एक गैर इस्लामिक भी बताया जा रहा है और उन्हें तौबा करने की सलाह भी मिल रही है बताते चले कि आमिर अपनी माँ को लेकर हज करने गए थे ये इस्लाम के पाँच मूल कर्तव्यों में से है और प्रत्येक मुसलमान के लिए ज़रूरी भी माना जाता है हज करने के बाद कोई मुसलमान इस्लाम में वर्जित कार्य नहीं करता किसी दूसरे धर्म की इबादत करने की मनाही भी बताई जाती है कुछ लोग हज के बाद मजहब के अनुसार लाइफस्टाइल स्टाइल भी तय कर लेते हैं और मजहब में हराम घोषित चीज़ों से बचते हैं मज़हब की वजह से तमाम एक्टर्स ने गाना बजाना और एक्टिंग तक से तोबा कर ली हाल में इसके कई सारे एग्जाम्पल भी दिखते हैं बावजूद आमिर को अपनी धुन पर चलने वाला एक्टर माना जाता है उनके अपने एथिक्स हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वे कई बार किसी की परवाह किए बिना ही अपने काम करते हैं बावजूद आमिर के ऑफिस में यह पूजा किस लिए थी अभी इसका तो ठोस कुछ पता चल नहीं पाया है लेकिन तमाम चर्चा हैं कि एक्टर काम करें या घर पर बैठे रहें या फिर तुर्की में अर्दोगान की पत्नी से निजी मुलाकात करें उनका कद इतना बड़ा है कि चर्चा तो होती ही रहेगी इससे पहले काम से ब्रेक लेने लाल सिंह चड्डा के फ्लॉप होने उसके रिलीज होने किरण राव से तलाक की वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में रहे थे यही बताते चले किरण राव और आमिर अब भले ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों अपने बच्चे आज़ाद को मिलकर पाल रहे हैं और पेशेवर रूप में एक दूसरे के साथ वर्क कमिटमेंट भी पूरा करते हैं आमिर भले ही ब्रेक पर हूँ बावजूद बतौर प्रोड्यूसर उनका काम अभी भी जारी है लाल सिंह चड्डा के फ्लॉप होने से ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी झटका नहीं लगा झटका बिल्कुल लगा है लेकिन इन सभी के बावजूद जो काम है उनका वो बदस्तूर जारी और उसके बीच में कोई भी आड़े नहीं आया हालांकि ये तस्वीरें कुछ सवाल ज़रूर खड़े कर रही है और उनके ऊपर लांछन लगाने का भी काम कर रही है कि ये सब ढोंग है लेकिन बात वही है कि सोशल मीडिया पर तो बातें चलती रहती हैं लेकिन आमिर खान को तो यदि अपनी दुकान चलानी है तो उनको भी कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा मेरे सुनी फिलहाल ही जय हिंद जय